इसे ऐसे कहें जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं। 22 अप्रैल 2023 विश्वास की घोषणा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं एक विजेता के रूप में जीता हूं। मैं ईश्वर के प्रतिरूप में बनाया गया हूं। मेरे पास एक विजेता का डीएनए है। मैंने कृपा का ताज पहना हुआ है। मेरी रगों में शाही खून दौड़ता है। मैं सर हूँ, पूंछ नहीं। मैं हमेशा ऊपर हूँ, कभी नीचे नहीं। मैं उद्देश्य, जुनून और प्रशंसा के साथ जीता हूँ, यह जानते हुए कि मेरी भाग्य में विजयी होना होकर जीना तय है। यह मेरी घोषणा है। दिव्य स्वास्थ्य की स्वीकारोति। मैं अपने जीवन में किसी भी बीमारी, बाधा या सीमा को स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। मैं डर से इनकार करता हूँ। मैं हारने से इनकार करता हूँ और बीमार होने से मैं इनकार करता हूँ। मैं अपने शरीर को किसी भी प्रकार की बीमारी या रोग के अधीन होने देने से इनकार करता हूँ। मैं एक विजेता से बढ़कर हूँ। परमेश्वर का दिव्य जीवन मुझ में हमेशा के लिए है। हालेलुया। मेरे पास वही होगा जो मैं कहूंगा। यूहन्ना 14:13। मैं मजबूत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं धनी हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अभिषिक्त हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं ईश्वर का प्रिय हूँ और मैं ईश्वर और मानव जाति का कृपा पात्र हूँ। मैं वही बोलता हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ, न कि जो मैं देखता हूँ। मैं एक अनमोल बीज हूँ। मैं अपने ईश्वर के घर में अच्छी जमीन पर लगाया गया हूँ। मैं अपने प्रभु के दरबार में ताड़ के पेड़ की तरह फलता फूलता हूँ। मैं हर मौसम में प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न करता हूँ। मैं प्रभु में रस और हरे रंग से भरा हुआ हूँ और बुढ़ापे में भी मैं ताजा और फलता फूलता रहूंगा। मेरा पत्ता मुरझाता नहीं है, पर जो कुछ भी मैं करता हूँ वह यीशु के नाम पे समृद्ध होता है। चीजें हमेशा मेरे लिए यीशु के नाम में काम कर रही है। मैं मसीह यीशु में हर आध्यात्मिक आशीर्वाद का प्राप्त करता हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। मेरी आत्मा में एक अंतर मन है। मेरी आत्मा और मेरा अंतर मन एक भौतिक शरीर में रहते हैं। मेरी आत्मा मेरे अंतर मन को निर्देश देती है। मेरा अंतर मन सुनता है, प्राप्त करता है और मेरे शरीर को निर्देश देता है और मेरा शरीर पालन करता है। यीशु के नाम में मैं अपने शरीर से बोलता हूँ। ईश्वर का अविनाशी जीवन मेरे जीवन में हमेशा स्पष्ट और व्यक्त होता है। मैं अपने शरीर के हर विवरण के लिए जीवन बोलता हूँ। मैं अपने मनोभाव से बात करता हूँ। परिपूर्ण बनो मसीह के मनोभाव की तरह और मैं तुम्हें परमेश्वर के वचन से संरेखित होने की आज्ञा देता हूँ। मैं अपने स्नायु और नसों से जीवन बोलता हूँ। मैं अपनी मांसपेशी और स्नायु बंधन को ताकत बोलता हूँ। मैं अपने दिल से जीवन शक्ति बोलता हूँ। मैं अपने फेफड़ों और उत्तकों से सामान्य वेंटिलेशन और परफ्यूजन अनुपात बनाए रखने के लिए बात करता हूँ। मैं अपनी किडनी, लीवर और अग्नाशय को पूर्णता बोलता हूँ। मेरे खून की हर कोशिका में जीवन है। मेरी हड्डियाँ, जोड़, कार्टिलेज संरेखित, मजबूत और दृढ़ हैं। मेरे पूरे ऊपरी और निचले अंग उत्कृष्ट रूप से कार्य करते हैं। मेरी आँखें स्पष्ट रूप से और पूरी तरीके से देखती हैं और मेरे कान काम करते हैं बेहतरीन। मेरी त्वचा एक नवजात शिशु और ईश्वर की सुंदरता की तरह चिकनी और स्वस्थ है। मेरे बालों के रोम कस गए हैं। मैं अपने बालों को स्थिर रहने की आज्ञा देता हूँ और जहाँ वृद्धि की आवश्यकता होती है मैं अपने रोम में विकास छोड़ता हूँ। मेरे दांत, मसूड़े, जबड़े की हड्डियाँ और तंत्रिका और रक्त की आपूर्ति सभी स्वस्थ, मजबूत और परिपूर्ण है। मेरे सभी हार्मोन और न्यूरोकेमिकल ट्रांसमीटर एक दूसरे के साथ पूर्ण सामंजस्य में है और अपने कार्यों को सामान्य रूप से निष्पादित कर रहे हैं। मेरा पाचन तंत्र निगले गए सभी खाद्य पदार्थों को पचाने,
अवशोषित करने और आत्मसात करने में सक्षम है और चयापचय अपशिष्ट उत्पाद नियमित रूप से उत्सर्जित होते हैं। मैं, खाने, तकनीक, मीडिया, शिथिलता, गपशप, आलस्य, अधिक नींद, सुस्ती और बाध्यकारी खरीदारी में सभी प्रकार के व्यसनों, शराब, निकोटीन, ड्रग्स, द्विधातुमान, अत्यधिक भोग को कैद करता हूँ और मसीह की आज्ञाकारिता में लेता हूँ। जैसा यीशु, वैसा ही मैं। ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वह मेरे लिए जीवन और चंगाई है। इसलिए खाद्य पदार्थों, धूल, जानवरों आदि एलर्जी का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। ईश्वर ने मुझे इन सारी चीजों पर अधिकार दिया है। मेरा प्रजनन तंत्र पर्याप्त मात्रा में और अच्छी गतिशीलता वाले शुक्राणुओं का उत्पादन और जमा कर रहा है। मेरा प्रजनन तंत्र समय पर अंडे की कोशिकाओं का उत्पादन कर रहा है और जन्म तक भ्रूण की रक्षा और पोषण कर रहा है। मेरे शरीर का हर अंग, हर कोशिका पूर्णता में कार्य करता है, जिसके लिए ईश्वर ने इसे कार्य करने के लिए बनाया है। और मैं मेरे शरीर में किसी भी प्रकार की खराबी और विकृति को यीशु के नाम पर मना करती हूँ। आमेन। मेरा संपूर्ण मानव शरीर रचना विज्ञान, चयापचय और शरीर क्रिया विज्ञान मसीह यीशु में परिपूर्ण है। महिमा, हालेलुया, आमेन। पिता ईश्वर मुझे प्यार करते हैं, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। पुत्र ईश्वर मुझे प्यार करता है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। पवित्र आत्मा ईश्वर मुझे प्यार करता है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। शालोम।